डन वी हैव डन केस स्टडी वन इन द प्रीवियस क्लास, सो वी आर लेफ्ट विद केस स्टडी टू बच्चों. सबके पास असाइनमेंट है, प्लीज ओपन योर असाइनमेंट्स. यस चलिए तो केस स्टडी टू देखते हैं. बता, एडवेंचर कैंप इज ए परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्फ विदाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडिंग देयर एवरी मूव. इज दिस क्लियर? राइट बच्चों, एडवेंचर कैंपिंग राइट इज अ प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स कैन टेक देयर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स, राइट? सम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल रीच्ड फॉर एडवेंचर एट सकलेशपुर. एट द कैंप द वेटर्स सर्व सम स्टूडेंट अ वेलकम ड्रिंक इन सिलेंड्रिकल ग्लास, राइट? सो वेलकम ड्रिंक वॉज सर्व. बच्चों आवाज आ रही है आपको? Yes. राइट राइट. स्टूडेंट वर सर्व्ड वेलकम ड्रिंक इन द सिलेंड्रिकल ग्लास, राइट? एंड सम स्टूडेंट्स इन ए हेमी स्फेरिकल कप. राइट बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स को जो वेलकम ड्रिंक दी गई दैट वाज इन द ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास, राइट? एंड सम वर गिवन इन ए हेमी स्फेरिकल कप एज शोन इन द डायग्राम्स, राइट? आफ्टर दैट दे वेंट फॉर ए जंगल ट्रैक. द जंगल ट्रैक वॉज इंजॉयबल बट टायरिंग. एज डस्क फेल, डस्क का मतलब होता है शाम का टाइम, डस्क फेल इट वॉज टाइम टू टेक शेल्टर. ईच ग्रुप ऑफ फोर स्टूडेंट वॉज गिवन ए कैनवस ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर, राइट? Each group had to make a conical tent to accommodate all the four students. Assuming that all the stitching and wasting incurred while cutting would amount to 1 meter square. बच्चे नो टॉकिंग प्लीज अंडरस्टैंड राइट. सी देखिए यहाँ पे अब दो तीन चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द स्टूडेंट विजिटिंग दिस ट्रैकिंग देर वॉज ए एडवेंचर कैंप, राइट? सो वेन दे रीच दैट प्लेस दे वर सर्व द वेलकम ड्रिंक. वेलकम ड्रिंक वर सर्व, वेलकम ड्रिंक वर सर्व इन ए सिलेंड्रिकल ग्लासेस, राइट? एंड हेमिस्फेरिकल कप्स, राइट बच्चों? सो दीज टू शेप्स ये जो उनको है अपना सिलेंड्रिकल और सेमी स्फेरिकल कप्स में कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई. देन व्हेन दे वर बैक आफ्टर द ट्रैकिंग दे वर गिवन राइट ए क्लॉथ ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर, राइट? कैनवस का मतलब है कि एक क्लॉथ दिया उन्हें जिसका उनको एक कॉनिकल टेंट बनाना है बच्चों. एंड द एरिया ऑफ दिस इज 551 मीटर स्क्वायर. इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी. एनी डाउट स्टूडेंट्स? राइट. तो अब आपकी केस स्टडी है. नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस. द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप इज, दिस इज द सिलेंड्रिकल कप, इसका डायमीटर आपको गिवन है बच्चे 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. प्लीज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास. प्लीज डू इट स्टूडेंट्स.
हाँ जी बच्चों, कीजिए जरा वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास। हो गया बच्चों? एनीवन हैज डन? फोर हंड्रेड फोर चेक कर लेते हैं बेटा। आई आर विल बी 7/2। राइट बच्चों? ठीक है जी। सो दिस कैन बी रिटन एज 2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अच्छे। 147 × 11/4, राइट? हाँ जी, ये आ गए बच्चे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, राइट? क्लियर है बच्चों सबको? इज दिस विजिबल और नॉट? राइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल कप। प्लीज फाइंड आउट इट्स डायमीटर इज गिवन 7 सेंटीमीटर। प्लीज फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फेरिकल कप। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे इसका? टू बाय थ्री हो जाएगा बच्चे, हेमी स्फीयर है, नोट 4/3, इट विल बी 2/3। प्लीज डू इट। हाँ जी, हो गया बच्चों? विच ऑप्शन बेटा? डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी एक बार। बी बी फॉर बॉम्बे बेटा, बी और डी? बी। ओके चेक कर लेते हैं बच्चे एक बार। डी। आप लोगों की वॉइस जो है बड़ी ही मतलब नॉट क्लियर, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा एक बार, कोई बात नहीं। एंड रेडियस इज 7/2। राइट, ठीक है।
9 5 just a moment, sir. 49 into 11 upon 6, right? So this comes out to be 99. Then it will be 9, 44 plus 9, 5, 3, 6, 8 are 48, 59, 54, 5 है ना, 8 3 आएगा राइट. तो द ऑप्शन इज बी ऑप्शन बेटा, इट इज नॉट डी, इट इज बी. इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट. Which container had more juice and by how much? हाँ जी, which container has more juice? Cylindrical glass? And how much? Yes. तो बेटा which option now? Option D आ जाएगी. 340. 314.42. Yes. 404.25 माइनस 89.83 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो देन दिस विल बी 4 बच्चों. नेक्स्ट कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड By each student in the conical tent. हाँ जी, what is the meaning of this? How much space on the ground is occupied by each student in the tent? अब जो आपको टेंट गिवन है बेटा, उसका एरिया गिवन है, एंड वट एल्स इज गिवन? रेडियस ऑफ द कोन इज गिवन. देखिए बेटा, एरिया. फिगर में आपको एक कोन का जो है वो एरिया गिवन, राइट? सो सॉरी, रेडियस भी गिवन है. रेडियस इज 7 मीटर, राइट बच्चों? ईच ग्रुप ऑफ फोर स्टूडेंट वाज गिवन अ कैनवस ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू टेल हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज गिवन. फॉर दिस व्हाट यू विल डू, टेल मी बच्चों, व्हाट वी विल डू फॉर दिस? सी, व्हेन यू आर मेकिंग ए टेंट, द बेस विल बी ए सर्कुलर पार्ट, यस और नो? बच्चे, बेस विल बी ए Yes. सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर. Yes. सो दिस एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू फोर स्टूडेंट्स. सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड डिवाइडेड इनटू फोर. प्लीज सॉल्व दिस बच्चों. हाँ जी बच्चे, हो गया. देखिए बेटा, ये सर्कुलर एरिया जो है ये 4 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल? दैट विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. सो दिस कम्स आउट टू बी 154 मीटर स्क्वायर. दिस एरिया विल बी ऑक्यूपाइड बाय 4 स्टूडेंट्स. सो एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 स्टूडेंट, हाउ मच इट विल बी? 154 Yes. डिवाइड बाय 4, राइट? सो इट कम्स आउट टू बी 38.5 मीटर स्क्वायर, राइट? इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? यस, ओके. एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चे इन दिस असाइनमेंट? कोई क्वेश्चन बच्चे डाउट हो, कोई क्लैरिटी ना हो किसी क्वेश्चन में, प्लीज टेल मी. एनी अदर डाउट यू पीपल हैव अपार्ट फ्रॉम दिस असाइनमेंट इन एनी क्वेश्चन? कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, यस बड़ी देर बाद आवाज आती है आप लोगों की.
कोई डाउट बच्चों आप लोगों को? ये चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ फिर आप ऐड ऑन। चलिए फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस आई टेक अप बच्चे। देयर इज एन आइसक्रीम आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम एंड इट इज इन द शेप ऑफ ए कोन एंड ए हेमी सफेरिकल पार्ट ऑन इट राइट। इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इज क्लियर एंड इट्स टोटल हाइट इज 10 सेंटीमीटर राइट। इज दिस क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। प्लीज डू इट बच्चों। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन दिस कोन। रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल हाइट इज 10 सेंटीमीटर। प्लीज डू इट बच्चों। हाँ जी हाँ बोलिए बेटा। आवाज आ रही थी सर, आवाज आ रही थी, आगे कुछ बोले नहीं आप। हाँ जी बच्चों, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। हाँ जी 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। सेंटीमीटर तो टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। दोनों को जल्दी से ऐड करके वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए आइसक्रीम की। हो गया बच्चों?
Anyone finished? If yes, please come to the mic and tell me what is the answer. Front bench girls, have you done it? Sir, the answer is 392.2 point 85. 392.85. 2.8. Yes, please sit down, beta. Very good. Very good, beta. Any other? I've done it. Check कर लेते हैं बच्चे. Is this the right answer? What is the volume of cone? One by One three by three pi. pi r square h. And what is the volume of hemisphere? देखिए बेटा, आर थ्री पाई आर क्यूब. आर दोनों का सेम है, सो वी कैन टेक 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद हेयर एच एंड हेयर 2 into r. इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? राइट बच्चों, आफ्टर दिस पुट द वैल्यूज 1/3 पाई आर इज 5 into 5 एंड व्हाट इज एच? एच इज आल्सो 5 + 2r, 5 + 10, राइट? तो जस्ट कैलकुलेट दिस, 22 into 25 into 15. 22 into 25 into 15 upon 3 into 7. राइट बच्चों, इज दिस क्लियर? यस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 330 into 25 ओवर 21. फर्दर मल्टीप्लाई किया, 75 7. राइट जी, इसको सॉल्व कर दिया, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लो इसको बच्चों. 21 3 63, 19 195, 9 189, 16. नहीं. सो दैट कम्स आउट टू बी 180 अप्रोक्सीमेटली 8. सो दिस 392 पॉइंट आगे कर लेते हैं इसको. 8 1 8 68, 12 120. Then it comes out to be approximately 392.86. This much is will be the volume, right? Is this clear, bachcho? Decimal will be after 392.86. This will be the volume. Is this clear, bachcho? Is it clear? कैन यू सी इट बेटा? विजिबल है या नहीं है वीडियो?
एम आई ऑडिबल बच्चों? बच्चों एम आई ऑडिबल? प्लीज रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल। तो क्वेश्चन आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो प्लीज बियर विद मी टुडेज एज द नेट कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर। So, we will be doing another question, बच्चों। सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियाई। एनी डाउट बच्चों? प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसिस ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट। राइट, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन रेशियो एट इज टू फाइव देन रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट विल बी, वी हैव टू फाइंड द बेटर रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट, राइट? विल यू प्लीज ट्राई इट? हाँ जी बच्चों, द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया इज 8:5। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड हाइट। ठीक है, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा। ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट, मीन्स बोथ हैव द सेम रेडियस एंड सेम हाइट, राइट? एंड इट इज गिवन द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया इज 8:5। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट? बोथ हैव सेम रेडियस एंड सेम हाइट, so we have to find their ratio of radius to the height if their curved surface area is 8:5। Please try this बच्चों।
हाँ जी बच्चों, हो जाएगा क्वेश्चन ये। हाँ एक कोन एंड ए सिलेंडर सी। ये देखिए बेटा, ये सिलेंडर हो गया एंड दिस इज ए कोन। दोनों की हाइट सेम है एच एच एंड दोनों का बेस रेडियस सेम है बच्चे, राइट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? व्हाट यू हैव बीन गिवन, द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 8/5। इज इट क्लियर? व्हाट हैपन बेचे, हैव यू, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन और नॉट? कैन यू डू इट नाउ? प्लीज ट्राई बेचे। हैव एनी बडी डन? किसी स्टूडेंट ने किया अभी तक? जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा इसको। आप यहाँ पे ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, डिड यू रिक्वायर लेटर राइट, यस और नो? राइट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेटर राइट? अप्लाई दिस फार्मूला फॉर लेटरल हाई एंड देन सॉल्व इट। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ आर टू द एच, बट वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेशियो, वी हैव टू फाइंड आउट। बेटा ये फ्रंट है बेंच पे जो बच्चा बैठा है, व्हाई यू आर नॉट डूइंग द क्वेश्चन? दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है? इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन द बोर्ड एग्जाम्स, राइट? रेशियो वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों बोर्ड में। आपको सारी मैंने वैल्यूज बता दी है, हिंट बता दी है, तो जस्ट यू कैन इजीली डू इट। जस्ट डू द प्रॉपर कैलकुलेशन, यू विल गेट योर आंसर्स। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों? व्हाट इज द फार्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? टू पाई आर एच। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन? एंड दिस रेशियो इज गिवन इक्वल टू, पाई विल बी कैंसल आउट, आर विल बी कैंसल आउट, राइट? Now what you got? 2h upon l. What is the value of l? Is it clear? Now what we shall do?
इसके बाद क्या करें बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट पार्ट। सो व्हाट इट बिकम्स? इज दिस क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट। नाउ व्हाट इट बिकम्स? कोई एक्स स्क्वायर ऑन दिस साइड, विल बिकम राइट। इज दिस क्लियर बच्चों? सो नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ आर ओवर एच। सो टेक एस स्क्वायर हेयर, सो दिस विल बिकम, इट क्लियर? दिस विल बिकम 9 एंड 16। सो इट कम्स आउट टू बी एक्स आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। और आर बाय एच कितना आ जाएगा बच्चों? सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर अपॉन एच? एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और काफी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों बोर्ड्स में, राइट? इज इट क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन, राइट? ये अगर आप कैलकुलेशन नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो बेटा। इज इट ओके? इज दिस ओके और नॉट बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और करें बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ए सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप। डेप्थ फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ द बच्चों प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन, दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, राइट? सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट?
बच्चे यस और नो, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी सर्कुलर? दिस इज सर्कल, अगर हम इसका हाफ पार्ट कर दे तो मीन्स दिस इज अ शीट यू हैव, इज क्लियर? इट्स यस डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, दिस इज अ डायमीटर एंड यू हैव टू मेक अ कोन ऑफ दिस, राइट? हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा? नहीं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ इट विल बी योर साइंस क्लास एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट टीचर्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ आई एम ऑडिबल। थैंक यू, थैंक यू। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ सो स्वीट स्टूडेंट्स। और कुछ बच्चे देखो कैसे पढ़ने के लिए जमीन पे भी बैठे हैं। आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स के बच्चे देखो हैं जमीन पे बैठ के भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड बच्चे, देख लेना मेरा आशीर्वाद है, आप लोगों का कैरियर बड़ा अच्छा बनेगा एक दिन। ये स्पिरिट होती है। वेरी गुड। तो हमने असाइनमेंट को अधूरा करा था, सभी बच्चे निकाल ले फिजिक्स का असाइनमेंट। शाबाश, इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको दिया हुआ है, पुल इट आउट, हरी अप हरी अप। क्वेश्चन नंबर थ्री पेज सेकंड, क्वेश्चन नंबर थ्री पेज सेकंड, वहां से हम करेंगे। तो फैकल्टी का बेटे, यू ऑल नो माय नेम ना, धीरज वशिष्ठ मेरा नाम है, और हम इलेक्ट्रिसिटी पे करने लगे हैं काम आगे। और जितनी आपकी उम्र है उसमें 10 इयर्स और ऐड कर दें, इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। लेट्स मूव टू दी असाइनमेंट फ्रॉम सिक्स्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट ऑप्शंस वेरी कंटिन्यूसली, रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस हैवीली। क्या बताता है बेटे, शॉर्ट सर्किट के वक्त सर्किट में करंट एकदम से चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, चेंज नहीं होता, क्या ऑप्शन होनी चाहिए? शाबाश, पहले शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। योर अटेंशन, शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का कॉन्सेप्ट बनाने लगे हैं टीचर, कॉन्सेप्ट फिर आप ही आंसर देना इसका। देखो बेटे, जब भी हमें सप्लाई मिलती है, सप्लाई का मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई, कहां से? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक जब सप्लाई आती है तो तीन वायर्स से आती है। एक वायर जो होती है वो होती है बेटे रेड कलर में, उसको बोलते हैं लाइव। ये हमारे घर तक करंट लेकर आती है। एक और वायर होती है जो ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, वो करंट लेकर जाती है वापस, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ब्लू वाले को न्यूट्रल, ये करंट वापस लेके जाती है घर से कहां तक? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन तक, तभी सर्किट कंप्लीट होते हैं।
राइट, एक वायर होती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की, उसको अर्थ वायर बोलते हैं, अर्थ वायर, ग्राउंडिंग वायर भी बोल देते हैं उसको, ग्राउंडिंग वायर। ये करंट लेकर आती है कहां पर? घर में। और ये करंट लेकर जाती है, न्यूट्रल वाली लेकर जाती है। और अर्थिंग का काम क्या है? ये हमें बिजली के करंट से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट। अगर अर्थिंग वायर होएगी तो इंसान को करंट लगने से झटका तो लगेगा, लेकिन वो बिजली के साथ ऐसे चिपका नहीं रहेगा, मरेगा नहीं वो। अगर अर्थ वायर खराब हो जाए तो करंट लगने वाला इलेक्ट्रिक्यूशन से मर भी सकता है, राइट? अब शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है? ये जो लाइव वायर है हाई पोटेंशियल पर, और न्यूट्रल वायर है जो जीरो पोटेंशियल पर है, और लाइव वायर जो 220 हाई वोल्ट पर है, ये आपस में जुड़ जाती हैं कई बार। और करंट का क्या तरीका, करंट का क्या रूल होता है? इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लाइव वायर ह्यूज पोटेंशियल पे होती है, न्यूट्रल वायर जीरो पोटेंशियल पे होती है। जब ये आपस में जुड़ जाएंगी तो जुड़ने वाले पॉइंट पर, जहां पर रेड वायर ब्लू वायर से जुड़गी, बच्चा बोलेगा कि सर जुड़ेंगी ही क्यों? बेटे हवा हवा चलती है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आते हैं, यहां पर ये जुड़गी ना, जहां पर, वहां पर हम बोलते हैं क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो एकदम से ह्यूज करंट फ्लो करेगा, ह्यूज करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि करंट का नियम क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर। एक वायर हायर, रेड वाली 220 वोल्ट पर, ब्लू वाली न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पर, तो 220 को 0 वोल्ट मिला तो करंट को तो मजा आ गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर ह्यूज करंट निकलेगा। अब मेरे को इसका ऑप्शन बताओ पढ़ के, कौन सा? रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द ऑप्शन? आपको क्वेश्चन मिल गया बेटा। बेटे रीड दी थर्ड क्वेश्चन एंड टेल मी द ऑप्शन। अगर थर्ड ऑप्शन आप कह रहे हो सी ऑप्शन, तो 3 फिंगर्स, अगर फोर्थ ऑप्शन तो 4 फिंगर्स, जल्दी बोलो। बेटे आई एम ऑडिबल, प्लीज टेल मी द ऑप्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू, हैव यू गॉट द क्वेश्चन? You have question? Yeah, please. रीड द थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर सेकंड असाइनमेंट, एंड पिकअप योर करेक्ट ऑप्शन The चोजन। answer is fourth option increase heavily. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन हुआ, फोर्थ ऑप्शन, करंट इंक्रीजेस हैवीली, करंट इंक्रीजेस हैवीली, बहुत अच्छे। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड थर्ड क्वेश्चन एंड इट्स कॉन्सेप्ट, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। बेटे एक हाथ खड़ा करना ही है, अगर नो तो लेफ्ट, एक हाथ खड़ा करना ही है आपने, ओके डाउन। कोई भी बच्चा मेरी क्लास में ऐसा ना बैठे जो ना लेफ्ट हैंड खड़ा करे ना राइट। मेरे पास आप कैमरा में सारे आ रहे हो, मैं पॉइंट आउट कर लूंगा बच्चे को, मैं बैठने नहीं दूंगा क्लास में उस बच्चे। एक हाथ खड़ा करना ही है, नहीं समझ आया लेफ्ट, समझ आया तो राइट। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, सभी बच्चे एक बार रीडिंग करो फोर्थ क्वेश्चन। क्यों मैंने बोला शाबाश, योर अटेंशन। एक छोटा बल्ब लगाया है 100 वाट का, गॉट इट? एक बड़ा बल्ब लगाया है 400 वाट का, 400 वाट। और इन दोनों बल्ब्स को एज पर द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, नीचे लगा दिया गया बैटरी। अब वो बोलता है छोटे वाले बल्ब में
वन एम्पियर का करंट जा रहा है, वन एम्पियर करंट क्या जा रहा है, करंट। करंट का सिंबल क्या होता है बेटे, आई। बड़े वाले बल्ब में कितना करंट जाएगा, इज देर एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर, बड़े वाले बल्ब में कितना करंट जाएगा। मे आई आस्क दिलप्रीत कौर, मे आई आस्क दिलप्रीत कौर, शाबाश दिलप्रीत कौर, दो बच्चे हैं, दोनों में से कोई भी बता दे दिलप्रीत कौर। क्या बेटे आप इसका आंसर बता सकते हो, छोटे बल्ब में वन एम्पियर का करंट जाएगा तो बड़े में कितना जाएगा? सर अगर छोटे में वन एम्पियर तो बड़े में भी वन एम्पियर करंट ही जाएगा कारण सर, क्योंकि सीरीज में जो करंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया गुड़िया ने, क्योंकि इसको मेमोरी टूल याद है, SIS, सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट के पास कोई रास्ता ही नहीं है, और इधर से जाएगा उतना ही निकलना पड़ेगा। ओके, तो सभी बच्चे लिखो शाबाश, बैठो सभी दोनों बच्चों को शाबाश जिसने जवाब दिया। तो वन एम्पियर करंट, डी ऑप्शन पिकअप करो, डी ऑप्शन। कोई बच्चा SIS का फुल फॉर्म जाए, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इसके बिना मैंने एक और मेमोरी टूल बताया था वो बता सके मेरे को, SIS के बिना भी एक मेमोरी टूल बताया था, एक भी बच्चा नहीं बेटे, एक भी बच्चा नहीं बता सकता दूसरा मेमोरी टूल क्या? PVS फुल फॉर्म था PVS का, शाबाश। इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मेरे को एक्चुअली माइक दूर था इसलिए सुना नहीं शायद। तो बेटे पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी सर, बहुत ही बढ़िया, पैरेलल में वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम, और जो चीज सेम नहीं होती वो डिफरेंट होगी उस सर्किट में। यानी कोई बच्चा मेरे से कहे सर अगर सीरीज में करंट सेम है और इनमें वोल्टेज ड्रॉप पूछ लिया होता सीरीज में तो हम उसको अलग अलग बोलते, यस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग, दो ही गुण होते हैं बिजली के, एक वोल्टेज और करंट, ठीक है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ओके, लेट्स मूव टू दी फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बेटे ये बताना, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट के मुताबिक 8 ओम के चार रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगा दिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्या मेरे को बता सकता है कोई बच्चा सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल ए से बी तक, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस? 8 + 8 + 8 + 8, 32 ओम। अब मैंने इनको पैरेलल में लगाना है, सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट, पैरेलल में जब लगाते हैं तो इस तरह से सर्किट बनता है, तो 1/r पैरेलल 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8, ये कितना हो गया 4 × 1/8, ये कितना हो गया हाफ, लेकिन ये 1/rp की वैल्यू है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों तरफ, आरपी बिकम्स 2 ओम, तो हमें पैरलर भी आ गया सीरीज भी आ गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोनों की रेशो पूछी हुई है, सीरीज अपॉन पैरलर का आंसर पूछा हुआ है, दैट मींस 32 / 2 ओम, तो इट बिकम्स 16। बोलो समझ आया या नहीं, यस और नो, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड वेरी गुड। बेटे एक बात मैं बताना चाहूंगा ध्यान से सुनना, पिछले साल बोर्ड के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ऑप्शंस में योर अटेंशन, ऑप्शंस में ऐसे था, ए ऑप्शन था
16 ओम ऐसे। बी ऑप्शन था अकेला 16। तो कोई बता सकता है इन दोनों में से कौन सा सही है? बेटे बी सही है। क्यों? 32 ओम है ना साथ में ओम, और इधर भी 2 ओम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट हो तो वो कट जाता है, तो आंसर यूनिट लेस आएगा। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत। यूनिट थोड़ी बचा, ओम से ओम कट गया। तो 16 इज करेक्ट, रेशियो के अंदर यूनिट लेस होता है, 16 ओम इज गलत। ठीक है, मेरे बहुत से स्टूडेंट इसको गलत सॉल्व करके आए थे, इसलिए मेरे को याद आ गया। अचानक मेरे को याद आ गया कि यूनिट से यूनिट कटता है तो कुछ भी यूनिट नहीं बचता, तो ये वाला सही है और यूनिट वाला आंसर गलत। लेट्स मूव टू द सेवंथ सिक्स्थ क्वेश्चन। शाबाश सभी बच्चे, रीड करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए कॉन्सेप्ट बना रहा हूं मैं अपने बच्चों का, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे को बताने की कोशिश करो, आपने घरों में एक ऐसा बिजली के बोर्ड के ऊपर लगा हुआ जरूर देखा होगा, बिजली के बोर्ड के ऊपर लगा हुआ ऐसा जरूर देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट्स नेम? एनीबॉडी? इसी के अंदर हम थ्री पिन प्लग लगाते हैं, ऐसे करके आपने थ्री पिन प्लग देखा होगा। देखो ऐसे करके आपने थ्री पिन प्लग देखा होगा, जिसमें एक पिन यहां होता है, एक पिन यहां होता है, एक पिन यहां होता है। ये थ्री पिन प्लग हम ऐसे लगा देते हैं इसमें, इसका क्या नाम होता है? है बेटे, ये तो हो गया प्लग, इसका नाम होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुने, सॉकेट। लिख लो अगर नहीं पता, सॉकेट। इसमें टॉप वाला अर्थिंग का होता है, जहां पर ग्रीन वायर टच करता है। ग्रीन तीन वायर बताई थी ना आपको, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। और जो राइट वाला होता है, यहां पर रेड वायर यूज होता है, इसमें लाइव वायर लगेगा, रेड वायर जुड़ता है पीछे से। और ये जो लेफ्ट वाला होता है, इसमें ब्लैक वायर या ब्लू वायर लगता है, न्यूट्रल। अब बेटे आपने ये सॉकेट है ना दो साइज के देखे होंगे, टू साइजेस घरों में, एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर होता है। यस, जो स्मॉलर होता है ना बेटे स्मॉलर, उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी 5 एम्पीयर की होती है, 5 एम्पीयर। देखो मैं प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की भी नॉलेज बढ़े। ओके, जो बड़े वाला होता है ना वो मैक्सिमम 15 एम्पीयर को हैंडल कर सकता है, अगर 15 एम्पीयर से भी ज्यादा करंट होगा तो ये जल जाएगा बड़े वाला, अगर 5 एम्पीयर से ज्यादा करंट होगा तो छोटे वाला जल जाएगा, बदल उसको खराब हो जाएगा, वो नया लाना पड़ेगा। तो जो 15 एम्पियर वाले ज्यादा करंट हैंडलिंग वाले कैपेसिटीज वाले सॉकेट होते हैं, उस पे हम कौन सा प्लग लगाते हैं? फ्रिज का। और कौन सा लगाते हैं? कूलर का। और कौन सा लगाते हैं? एसी का। और कौन सा लगाते हैं? गीजर का। ये जो चार चीजें मैं बताई, फ्रिज, कूलर, एसी, गीजर, ये ज्यादा करंट खींचते हैं, ज्यादा हैवी करंट खींचने के लिए 15 एम्पियर का सॉकेट लगता है। और जो छोटे लोड होते हैं, बिजली का प्रेस हो गया, बल्ब हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर वाला, ये छोटा करंट खींचते हैं, ये 5 एम्पियर से भी चल जाते। अब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, अब क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से और आंसर बताओ। ए ऑप्शन, हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर। देखा कितना अच्छा जवाब दे दिया आपने ना, हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर 15 एम्पियर का लगेगा, तो सिक्स का ए ऑप्शन, शाबाश। सेवंथ क्वेश्चन पे चलो, सेवंथ क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे।
क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन पढ़ो। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। शाबाश, कॉन्सेप्ट बनाने लगा हूं बेटे। ये गोल्डन चांस आपको मिलना नहीं है बार बार। बहुत कम टीचर होते हैं जो क्वेश्चन कराने से पहले प्रैक्टिकल लाइफ का कॉन्सेप्ट कराते हैं। ध्यान से सुनो आप क्वेश्चन सेवन का कॉन्सेप्ट। इसमें एक वर्ड है, लीस्ट काउंट। देखो इस वर्ड को ध्यान से देखो, लीस्ट मैंने कम से कम, काउंट मैंने मापना गिनना। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो कम से कम कितनी वैल्यू है जिसको हमारा गिवन इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेसी से माप सके। फिर से सुनो, मेरे को ये एम मीटर दे दिया। एम मीटर क्या होता है? एम्पियर प्लस मीटर, एमोमीटर, करंट मापने वाला यंत्र। ठीक है, एक और होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्लस मीटर। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज की, पोटेंशियल की। वोल्टेज को पोटेंशियल भी बोलते हैं। वोल्टेज को मापने वाले मीटर को वोल्ट मीटर, एमोमीटर करंट को मापने वाला। तो अगर मेरे को कोई वोल्ट मीटर दे दिया और मैं उससे देखूं कि ये वोल्ट मीटर कम से कम इतनी रीडिंग तो एक्यूरेसी से दिखाता है, उससे भी कम मापना हो तो एक्यूरेसी नहीं दिखा पाता। तो जितना कम से कम मेजर कर सके कोई गिवन इंस्ट्रूमेंट, वो भी एक्यूरेसी के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। बेटे एम आई ऑडिबल? लिंक टूट गया मेरा ख्याल। नहीं। 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 नहीं।